गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राखिया। इस गर्मियों के सीजन में होने वाली हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलेगा इस पूरे वीडियो में। चाहे आपको पिंपल्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, लार्ज पोर्स हो, आपकी स्किन ऑयली हो या आपकी स्किन टैन हो गई हो, आपको आपकी स्किन को लाइटन करना है, ब्राइटन करना है, रेडियंट बनाना है, यूथफुल बनाना है, प्लम्प बनाना है, ग्लोइंग बनाना है, और वो भी तब जब आपकी स्किन डल से भी ज्यादा डल हो गई हो और आपकी स्किन पे क्लॉक पोर्स पूरे भर चुके हैं। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता चली थी जब मैं सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, लेकिन आपके पास यूट्यूब है, मेरा चैनल है, तो इस वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, ढेर सारा प्यार दीजिए और इसको एंड में अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की तगड़ी रेमेडीज से। इस पूरे वीडियो में मैं दो खास चीज आपकी स्किन में आपको रब करने को कह रही हूँ जो मैजिकल रिजल्ट्स दे सकती है आपकी स्किन में, जो मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। और सबसे पहला है बनाना पील। आज आपको इसको यूज करने का ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आप अपने स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ दूर कर सकते हो। जो केला होता है गाइस इसको तो आप खा लो, लेकिन इस छिलके को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और हल्का सा इसको स्पून से इस तरह से स्क्रेप कर लीजिए। ये जो बनाना पील है ना, इसमें प्रेजेंट है एंटी ऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सारी चीजें प्रेजेंट है जो आपकी स्किन की, मैं आपको बताती हूँ क्या करता है। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा ना पैक बना लेंगे। आपको लेना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें आपको डालना है सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप विनेगर और 1 चम्मच दही। इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड में रख लेना है, ठीक है। अच्छे से फेस को वॉश करने के बाद जो बनाना पील है जिसको हमने हल्के से स्क्रेप कर लिया, उसको आप अपने स्किन में अच्छी तरीके से रब करेंगे। इसी आपकी स्किन से पिगमेंटेशन से लेके डार्क स्पॉट्स, आपकी स्किन में हुए डिसकलरेशन को दूर करना, मतलब ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए और साथ ही आपकी स्किन को टाइटन करने के लिए। अगर आपको लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है गाइस, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू टाइटन योर पोर्स। लार्ज पोर्स आपको ये उसको रिड्यूस कर देता है, उसको मिनिमाइज करता है। अच्छी तरह से रब करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हल्दी दही और विनेगर का मिक्सचर हमने बनाया है उसमें इस बनाना पील को डिप करें और फिर उसके बाद में आप अपनी स्किन में इसको रब करें। इससे क्या होगा गाइस, इससे आपकी स्किन की सारी टैनिंग चली जाएगी, आपकी स्किन टोन वाइब्रेंट होगी, रेडिएंट होगी, ग्लो करने लगेगी, आपकी स्किन इससे और भी ज्यादा यूथफुल दिखेगी। आपकी स्किन में अगर लाइंस रिंकल्स है वो रिड्यूस होने के साथ साथ आपके पिगमेंटेशन, आपके स्पॉट्स दूर हो गए, आपकी डल स्किन ग्लो करने लगेगी। तो अच्छी तरीके से अपने स्किन में रब करें। रब करने के बाद आपको वेट करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप अपने स्किन को वॉश करें। सिर्फ 7 डेज के लिए सिंपल सी रेमेडी को ट्राई करें गाइस। आपकी स्किन में अगर आपको मिराकुलस रिजल्ट नहीं दिखे तो ये नीचे, यही वीडियो के नीचे आपके आके आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चैलेंज है ये मेरा, आपको इसको जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये हो गई मेरी पहली रेमेडीज गर्मियों के सीजन के लिए। दूसरी रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ब्लैक हेड्स, वो गंदे गंदे चीजें जो आपके पोर्स में जाके बैठ चुकी है, उसके लिए हमने चारकोल के पील ऑफ मास्क बहुत यूज की है। लेकिन इस गर्मियों में ना, इस चारकोल के पील ऑफ मास्क में डालना 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी स्किन से टैनिंग को भी रिमूव कर दे। आपको लेना है गाइस थोड़ा सा जिलेटिन पाउडर, अब इसमें डालें थोड़ा सा टमेटो का जूस, टमाटर का रस लीजिए, इस गर्मी के सीजन में भरपूर इसको यूज करना, टमाटर का रस लीजिए, इसको डबल बॉयलर पे रख के अच्छी तरीके से मेल्ट कर लीजिए। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब आप इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, डालेंगे चारकोल पाउडर। अब ये जो चारकोल मास्क आपका तैयार हो रहा है ना, ये सिर्फ आपके फेस से, आपकी स्किन से वो क्लॉक पोर्स की प्रॉब्लम जैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को ही खींच के नहीं निकालेगा, बल्कि आपकी स्किन से वो पिगमेंटेड सेल्स को रिमूव करेगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा, ब्लैक हेड्स के साथ साथ आपकी स्किन से टैनिंग को भी रिमूव करेगा, जो इस गर्मियों के सीजन में आपके लिए बेहद जरूरी है। ये चारकोल पाउडर आपके पोर्स को अनक्लॉक करेगा, वही टमाटर और हल्दी आपकी स्किन से टैनिंग को रिमूव करेंगे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क है इस गर्मियों के सीजन के लिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ट्रीट कर सकता है, तो है ना ये भी कमाल का। तो इसको भी आप जरूर ट्राई करें इस गर्मियों के सीजन में। अब एक मास्क ऐसा होता है जो आपकी स्किन से ये सारी चीजों को खींच के निकालता है, दूसरी तरफ एक मास्क ऐसा होता है जो आपकी स्किन में कुछ चीजें देता है और वो होता है शीट मास्क। हाल ही में मैंने आपके साथ में हाइलुरोनिक एसिड का सीरम शेयर किया था लॉरियल पैरिस का, जो मैं कई टाइम से यूज कर रही थी, जो मुझे बहुत पसंद आया था। और कमाल की बात है कि रिसेंटली लॉरियल पैरिस ने यही हाइलुरोनिक एसिड सीरम का शीट मास्क निकाला है जो मुझे बेहद पसंद आया है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि इसको यूज करने के बाद मुझे मेरी स्किन में इतना इंटेंस रेडियंस
इंस्टिंक्टली दिखा है कि मैं मतलब इसके बारे में कुछ और ज्यादा बोल नहीं सकती, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। यह है लॉरिया पैरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम का शीट मास्क। इसमें सीरम और जो मास्क है ड्राई शीट मास्क वो टोटली अलग है। ये ड्राई शीट मास्क बना है नेचुरल आल्गे से, जिसकी वजह से जब हम इसमें सीरम डालते हैं तो ये 20 टाइम्स ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है। इसमें सीरम हम मिक्स करते हैं, इसमें सीरम मिक्स होके नहीं आता, जिसकी वजह से मुझे ये बाकी शीट मास्क से सुपीरियर लगता है, डिफरेंट लगता है। जब इसमें सीरम मिक्स होके नहीं आता, इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहती है। ये सीरम है क्या? ये है सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्सेंट्रेटेड हाइलुरोनिक एसिड। एक ऐसा होली ग्रेल मैजिकल इंग्रेडिएंट है गाइस, जो आपकी स्किन को ऐसा हाइड्रेट करता है जो कोई चीज नहीं करती। हाइलुरोनिक एसिड एक मॉइस्चर मैग्नेट है, आप ऐसा समझ सकते हो। ये अपने से 1000 टाइम्स ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। ये आपकी स्किन में इतने हद तक आपकी स्किन को ये हाइड्रेटेड रखता है। इससे आप अपनी स्किन को यूथफुल, प्लम्प, रेडिएंट, ग्लोइंग बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट में वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है, जिसकी मैं दीवानी हो गई हूँ। इसलिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि इसको आप जरूर यूज करना। इसके लिंक मैं आपको नीचे जरूर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप जरूर ट्राई करना। मेरे ख्याल से कुछ 199 के अराउंड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें शीट मास्क और ये सीरम अलग अलग आते हैं, तो इसको आपको मिक्स कैसे करना है पता है? यहाँ पे एक दो डॉटेड लाइन आपको दिखेगी, ये दो डॉटेड लाइन के अराउंड आपको इसको फोल्ड कर देना है इस पूरे मास्क को, और फिर ये सीरम को आपको इसमें अच्छे से प्रेस करते रहना, पुश करते रहना, ताकि ये जो सीरम है आपके शीट मास्क में चला जाए। फेस वॉश अच्छी तरीके से करने के बाद तुरंत बाद चाहो तो आप इसको अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो एक मास्क ऐसा है जो आपकी स्किन से सारी चीजों को निकालता है, एक मास्क ऐसा है जो आपकी स्किन में सारी चीजों को डालता है। चारकोल पील ऑफ मास्क रेडीमेड भी मिलते हैं, DIY भी मिलते हैं। मैंने DIY शेयर किया क्योंकि बना सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड के शीट मास्क आप घर पे नहीं बना सकते, इस वजह से मैंने आपके साथ में ये शेयर किया जो कमाल है, ठीक है? फाइनली मैं आपके साथ में एक और चीज शेयर करूँ। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक और चीज है जो आपको आपकी स्किन में रब करनी है इस गर्मियों के सीजन में, जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, वो है टमाटर। आपको पता है टमाटर आपकी स्किन से जो डार्क पिगमेंटेड सेल्स होते हैं उसको तक रिमूव करता है, तो गर्मियों के सीजन में आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन में हो जाती है टैनिंग, ठीक है? लेकिन इसको यूज करने के मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप इसको ना डेली बेसिस पे ऐसे ही रब मत करें, फेस वॉश के तौर पर यूज करें। जो आपके महंगे महंगे फेस वॉश है सबको भूल जाइए, घर में ये फेस वॉश पाउडर बनाइए, जिसके लिए आपको लेना है दाल, मसूर की दाल। थोड़ी सी दाल लीजिए, थोड़ा सा चावल लीजिए, एक मिक्सर जार में आप इन दोनों को डालें। इसके साथ में डालें थोड़ा सा बेसन, ठीक है, ग्राम फ्लावर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ये जो रेडी हुआ है ना, ये है आपका फेस वॉश पाउडर, जो आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे गाइस इस गर्मियों के सीजन में, प्रॉमिस में। इसको आप एयरटाइट जार कंटेनर में डाल के महीने भर तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। जब भी आप फेस वॉश करते हो, दिन में एक ही बार करने की जरूरत है, बार बार नहीं। अब लीजिए आपका ये दूसरा मिराकुलस इंग्रेडिएंट टमाटर। टमाटर को बीच में से कट कर लीजिए, आप थोड़ा सा ये पाउडर लीजिए, फेस वॉश पाउडर लीजिए, उसको स्पून से थोड़ा सा स्क्रेप कर लीजिए और उसको अपनी स्किन में रब कीजिए। गाइस टमाटर को ही सिर्फ अगर आप अपनी स्किन में रब करोगे ना, आपकी स्किन से डार्क सेल्स, जो ब्लैक पिगमेंटेड सेल्स है, वो रिड्यूस होने लगेंगे, क्योंकि टमाटर से आपकी स्किन से मेलानिन जो है वो रिड्यूस होने लगता है, दूर होने लगता है, जिससे आपकी स्किन की टैनिंग चली जाती है, आपकी स्किन टोन लाइटन होती है, ब्राइटन होती है, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइटन अप होता है, डिसकलरेशन आपकी स्किन से दूर होता है, अनइवन स्किन टोन आपकी इवन होने लगती है, स्पॉट्स आपके, पिगमेंटेशन आपकी हल्की होती है, और अगर आपको ब्लैक हेड्स हुए हैं तो ये आपके ब्लैक हेड्स को भी दूर करता है, पिंपल्स को भी रिड्यूस करता है। और जब आप इसको इस फेस वॉश पाउडर के साथ में यूज करोगे, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपकी स्किन के सारे डेड सेल्स को रिमूव करेगा, एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, और ये जेंटल एक्सफोलिएटर है, तो डेली बेसिस पे आप इसको दिन में एक बार जरूर यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस इसको हल्के हाथों से आपको अपनी स्किन में रब करना है। महंगे से महंगे फेस वॉश आप भूल जाओगे गाइस, इसको जब आप यूज करोगे, स्किन तो लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, क्लॉग पोर्स, सारी प्रॉब्लम्स को ये एक साथ टारगेट कर सकता है। ये ऐसा फेस वॉश पाउडर प्लस टमाटर का रबिंग हमारा वाला नुस्खा है, जो आप ट्राई कर सकते हैं इस गर्मियों के सीजन में। अच्छी तरीके से रब करना है, कोई वेट वेट करने की जरूरत नहीं, बस ठंडे पानी से अपनी स्किन को वॉश कर सकते हो, और डेली बेसिस पे अगर आप इसको करोगे ना, तो ये भी आपकी स्किन में कमाल का रिजल्ट दे सकता है। सो गाइस ये है वो सारे नुस्खे जो सिर्फ एक ही आप इसमें से कोई यूज करें, ये गर्मियों के सीजन में आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। आसान रेमेडीज मैंने आपके साथ में शेयर किया, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है गाइस।
प्लीज इसको जरूर यूज करना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को और मुझे भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में से बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए ठीक केयर है, बाय बाय।